तो अभी अपन जाने वाले हैं रॉक मेमोरियल की तरफ। तो यहाँ से आपको टिकट लेने के लिए थोड़ा अंदर जाना पड़ेगा और यहाँ पे लिखा हुआ है कि पर हेड 75 रुपीज टिकट लगेगा आपका, और ये टिकट काउंटर है। तो अपन टिकट काउंटर पर चल के और फिर टिकट लेंगे यहाँ से। ये रहा टिकट काउंटर, तो हम टिकट ले लेते हैं यहाँ से। 2 पर्सन है मैम, 75 रुपीज़ है ना पर पर्सन। कितने बजे जाएगी मैम फेरी? जस्ट ओके, ये हमें टिकट मिल चुकी है यहाँ से, जो कि 150 रुपये की टिकट है दो बंदों की। दोस्तों यह जो रास्ता आपको दिख रहा है, टिकट लेते ही आपको इस ऐसे गुफाई रास्ते के अंदर से जाना पड़ेगा फेरी के लिए। यहाँ पर बोट को फेरी के नाम से भी जाना जाता है, तो अंदर वो जो मतलब पूरा एकदम शेयरिंग फेरी है, तो उसमें जाएंगे बोट के अंदर और एक्सपीरियंस करेंगे इस महासागर के अंदर इस बोट का, और चलेंगे रॉक मेमोरियल की तरफ, विवेकानंद रॉक मेमोरियल। बैक एरिया है वो कुछ इस तरीके का, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो काफ़ी लोग जा रहे हैं अंदर, आगे अश्विनी भी जा रहा है, और आगे जाके शायद बोर्ड में बिठाया जाएगा और रॉक मेमोरियल की तरफ ले जाया जाएगा। इसका टाइमिंग कुछ फिक्स नहीं है, मेरे हिसाब से शायद 1 घंटा समथिंग इसका टाइमिंग होना चाहिए इस फेरी का जाने आने का। ये रहा विवेकानंद रॉक मेमोरियल, यहाँ से अपन इधर से घूम के जाएंगे ऐसे पूरा का पूरा, और यहाँ पार्किंग भी बनी हुई है, और इस साइड महासागर दिख रहा होगा आपको। और ये जो लोग दिखाई दे रहे हैं ना आपको, ये टोटल उधर ही जा रहे हैं, कम से कम लगभग 50 से 60 लोग होने चाहिए। और ये रही हमारी बोट, इस बोट में हम जाने वाले हैं शेयरिंग बोट, और वो जो बोट है वो लेके आई है वापस वहाँ से, तो अपन अभी चलेंगे उस तरफ। दोस्तों मैं इस शेयरिंग बोट जो कि बहुत बड़ी है, इसमें मैं फर्स्ट बार एक्सपीरियंस करने वाला हूँ, बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इस एक्सपीरियंस को लेके। बाकी शानदार दिख रही है, और सबसे बड़ी बात यह कि मैं महासागर के बीच में से जाऊँगा रॉक मेमोरियल की तरफ इस बोट के अंदर, क्या ही एक्सपीरियंस होगा। इतनी लंबी लंबी मतलब यहाँ पे जो बहाव है, मतलब पूरा एकदम ऐसे जा रहा है, खतरनाक तरीके से बहाव है उसका, तो मतलब देखने के लिए उत्साहित हूँ कि किस तरीके से अपन वहाँ पे जाएंगे, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। मिलते हैं बोट के अंदर, एक्सपीरियंस करेंगे साथ में मिलके। हम इंटर हो चुके हैं बोट के अंदर, और अश्विनी है वो थोड़ा आगे गया हुआ है, तो मैं भी उसी साइड में ही जा रहा हूँ। दोस्तों कुछ इस तरीके से हमको लाइफ जैकेट पहना दिया गया है, जो कि मैंने फर्स्ट बार ऐसे पहना है। थोड़े टाइम के लिए तो मैं मतलब ऐसे पहन नहीं पा रहा था इसको, क्योंकि पता नहीं था कि इसको कैसे पहना जाता है। दोस्तों यह जो बोट मतलब शिप जो है बड़ी वाली, यह जो जहाँ पे खड़ी हुई है ना, मतलब यह पानी के बहाव से ऊपर नीचे हो रही है, ऐसे जंप ले रही है विदाउट कुछ शॉकर्स के, मतलब अजीब ही एक्सपीरियंस आ रहा है। बाकी ये गले में जो फंदा डाला है ना, मतलब एकदम एक्साइटेड सा लग रहा है यार, कभी ऐसे डाला नहीं है ना, तो अजीब सा लग रहा है। बाकी मैं बिल्कुल एकदम विंडो सीट में बैठा हुआ हूँ, आप मेरे पीछे जो है वो महासागर देख सकते हो। प्राइवेट बोट भी ले जा सकते हो, वो जो उस साइड में आप दिख रही है, उसका चार्ज 300 रुपये प्रति हेड के हिसाब से है, तो उसमें शायद 5 से 6 पर्सन ही जा सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं जा सकते। तो इस बोट के अंदर जितने भी पैसेंजर हैं ना, सबकी जो मुंडी है ना वो इस तरफ है, मतलब इस बहाव की तरफ। इतने हाई लेवल के बहाव के अंदर मतलब बोटिंग हो रही है, कुछ भी हो सकता है। ये देखो पूरा जंप कर रही है, मतलब ऊपर नीचे दाएं बाएं ऐसे घूम रही है हमारी बोट, मतलब अजीब सा ही एक्सपीरियंस आ रहा है दोस्तों यार, मज़ा सही आ रहा है, बाकी डर लग रहा है यार। अब पानी देखो कुछ इस तरीके से है, बहाव जो इतना ज़्यादा बढ़ रखा है ना, मैं क्या ही बताऊँ, थोड़ा डर लग रहा है यार, क्योंकि पहली बार एक्सपीरियंस करने ना शायद इस वजह से। भाई अजीब ही तरीके का एक्सपीरियंस हो रहा है, मतलब पूरी बोट जंप कर रही है यार, मतलब एक्साइटेड लग रहा है पूरा यार, डर लग रहा है सच्ची में, ऐसे 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 हो रही है यार, क्या ही बताऊँ मैं, इस एक्सपीरियंस को मैं बयान नहीं कर पा रहा हूँ। बाकी मज़ा आ रहा है, मतलब धड़कने ऊपर गले की तरफ आ रही है जान यार, बोला भी नहीं जा रहा अच्छे तरीके से। पानी का बहाव देखोगे तो आपको भी लगेगा थोड़ा कुछ ऐसा। देखो हमारे इस बोट के अंदर कुछ राजस्थानी लोग आए हुए हैं, जो कि सॉन्ग्स गा रहे हैं अपनी राजस्थानी भाषा के अंदर। हमारे राजस्थान की कुछ अलग ही वाइब रहती है, जहाँ भी जाएं हमारा ये कल्चर रहता है। जी जो सामने दिख रहा है, ये है विवेकानंद रॉक मेमोरियल, और इस साइड भी जाने वाले हैं हम पूरा का पूरा, मतलब फ्रंट साइड के अंदर है बोट के। पानी का बहाव देखो, इस बहाव के जरिए हमारी जो बोट है ना पूरी हिलडुल रही है। ये देखो आप वीडियो में शायद मैं नहीं बता पा रहा हूँ, बाकी पूरा हिलडुल रहा है। बाकी अश्विनी से पूछते हैं उसको कैसा एक्सपीरियंस है यहाँ का। अश्विनी कैसा लग रहा है? अजीब लग रहा है ना, थोड़ा डर लग रहा है, शायद विंडो सीट पे नहीं बैठना था। बाकी अगर आपको नहीं दिखा पाते ऐसा व्यू, अगर विंडो सीट पे नहीं बैठते तो निकाल दिया गले से। ये ले भाई तू जा तेरे स्थान पे। बाकी हम पहले ही उतर गए थे बोट से, हवा जो है वो काफी ज्यादा चल रही है। बाकी इस बोट का जो एक्सपीरियंस था वो काफी अच्छा रहा। बोट देखना कैसे हिलेगी, लहर आएगी ना तो बोट हिलेगी, तो आपको पता चलेगा, अंदाजा होगा कि ये बोट किस तरीके से यहाँ पे पहुंची है। अभी 1 सेकंड में देखना ये बोट पूरी की पूरी हिलेगी, ये देखो ऊपर जा रही है अभी। वेलकम टू विवेकानंद रॉक मेमोरियल कन्याकुमारी। तो अभी अपन उधर ही पहुंच चुके हैं, तो आगे का एक्सपीरियंस लेते हैं किस तरीके की टिकट दी है। 30 रुपये पर पर्सन के हिसाब से टिकट दी है हमें,
तो अभी विवेकानंद रॉक मेमोरियल जहाँ पे है उसके ऊपर जा रहे हैं, कुछ मोहर भी लगाई हुई है वेरीफाइड की यहाँ पे, तो वो मोहर लगने के बाद ही आपको ऊपर जाने देंगे। एक्चुअली यह जो टिकट है यह दर्शन के लिए टिकट बनाई गई है यहाँ पे, तो जा रहे हैं। भीड़ भी मतलब है यहाँ पे, काफ़ी भीड़ बताई है, बताई दिख रही है जिस तरीके से। चलते हैं, एक्सपीरियंस लेते हैं इस विवेकानंद रॉक मेमोरियल कन्याकुमारी के अंदर। यहाँ से आपको निःशुल्क जूते चप्पल है वो यहीं पे उतारने पड़ेंगे, और इसके बाद में आपको एक टोकन दे दिया जाएगा। अश्विनी ऊपर जा रहा है, ये रहा विवेकानंद रॉक मेमोरियल कुछ इस तरीके का, अपन भी ऊपर चल रहे हैं। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से है इसका लेफ्ट साइड का जो व्यू है, आगे की ओर भी आपको लोग दिखाई दे रहे होंगे, और कुछ इस तरीके से बना हुआ है। सामने आपको महासागर दिख जाएगा पूरा का पूरा। देखो साइड में आपको ये विवेकानंद रॉक मेमोरियल देखने को मिलेगा, और इस साइड में कुछ ये मंदिर बना हुआ है, इसके अंदर फोटोग्राफी करना अलाउड नहीं है, बाकी अपन बाहर से इसको अच्छे से देख सकते हैं। तो मैं पूरा घूम के आपको ये दिखा सकता हूँ किस तरीके से है। एक्चुअली ये पत्थर से बना हुआ है, और ये जो ब्लैक ब्लैक दिख रहा है यह है ब्लैक कलर किया हुआ है इसके ऊपर टोटली, अंदर इसके अंदर फोटोग्राफी करना मना है। लेफ्ट साइड के अंदर आपको ये विवेकानंद जी की का स्टेचू देखने को मिलेगा, जिसका काम अभी चल रहा है। मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ, ये देखो इसका काम अभी चल रहा है, कंस्ट्रक्शन का अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। फिर कभी जब अपन आएंगे तो शायद तब तक ये कंप्लीट हो जाए। बाकी बोट हो रही, शायद वहाँ पे भी लोगों को लेके जाया जाता है, क्योंकि वहाँ पे बोट है नहीं, वो कंस्ट्रक्शन वालों के लिए है। इस साइड में कुछ इस तरीके का व्यू देखने को मिलेगा, और ये रहा हमारे हिंदुत्व का झंडा जो है वो लहरा रहा है, और इस साइड में कुछ इस तरीके का व्यू आएगा आपको देखने को मिलेगा, आप देख सकते हो। दोस्तों यह जो सामने आपको मंदिर दिखाई दे रहा है ना विवेकानंद जी का, यह मंदिर पत्थर पे बनाया गया है। ये देखो मेरे को अभी इसमें समझ आया सारा सिस्टम, मतलब यह एक टापू बना हुआ था यहाँ पे पत्थर का, और उसको तो मतलब ऐसे डिजाइन करके ये पूरा का पूरा जो मेकिंग है ये मंदिर का कर दिया गया था। इसके सेंटर में आपको नेविगेशन देखने को मिल जाएगा, ये देखो नॉर्थ साउथ नॉर्थ वेस्ट साउथ ईस्ट ऐसे करके कुछ नेविगेशन है इसका, और ये रहा वो टेम्पल। और इसके अंदर वीडियो अलाउड नहीं है, इसके अंदर भी अलाउड नहीं है, इसके अंदर लॉक किया हुआ है, आगे अंदर कोई मूर्ति बनी हुई है बस। अभी अपन ऊपर की ओर चलते हैं, ऊपर की ओर जाके कुछ देखेंगे। यहाँ पे ये जो बनाया गया है इन पे डू नॉट टच, हाथ न लगाएं कृपया, ऐसे करके कुछ प्रतिलिपि दर्शाई गई है ऊपर। इसका मेन गेट काफ़ी ऊँचा मंदिर बनाया गया है, और मंडप के अंदर छायांकन करना मतलब सही नहीं है। तो ये जो गेट है, गेट से इसका जो व्यू पॉइंट है वो दिखा देता हूँ, मंदिर से थोड़ा और अंदर दिखाता हूँ मैं आपको कुछ इस तरीके का। अगर आपको ब्लैक ब्लैक दिख रहा हो तो विवेकानंद जी की जो है वो मूर्ति बनाई गई है, स्टैचू बनाया गया है। लेफ्ट साइड से कुछ इस तरीके से गेट निकल जाता है, और यहाँ से ये बंद किया हुआ है, और इस साइड में आपको मतलब इसके बिल्कुल बैक साइड में आपको यह गेट जो है वो निकाल देगा। बाकी नीचे की ओर आपको इस तरीके का कुछ दिखेगा, नीचे भी शायद कुछ देखने लायक होगा, और यह इसका बैक साइड है, बैक साइड भी मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ा इस तरीके से। इससे दोस्तों यहाँ मतलब इधर वाली साइड से लेके इधर तक, इधर मतलब पूरा तीनों दिशाओं में सिवाय पानी के आपको कुछ नहीं दिखेगा। ये देखो बादल पानी बस, इसके अलावा आपको कुछ नहीं दिखाई देगा यहाँ पे। और यह इसका बैक एरिया है जो आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से, और इस साइड में भी पानी है सारा। व्यू वेदर दोनों अच्छा है यहाँ का। यह इसका राइट साइड वाला एरिया है, और इस वाली साइड आपको कुछ इस तरीके का व्यू दिखेगा। अपन ऊपर थे अभी, और अभी नीचे आ चुके हैं, और इस साइड में आपको बुक स्टॉल्स भी दिख जाएंगे कुछ स्वामी विवेकानंद जी को लेके, जो पहले लहरें इधर वाली तरफ आ रही थी अभी लहरें उधर वाली तरफ जा रही हैं, मतलब हवा के जरिए ही इसका जो पानी का बहाव है वो बह रहा है। तो
ये जो मेरे पीछे कन्याकुमारी का जो टेंपल देख रहे हो, यहाँ पर कन्याकुमारी जी के पद चिन्ह हैं, पत्थर के अंदर बने हुए हैं। यहाँ पे अलाउड नहीं था वीडियो बनाना, इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पाया। और जो मेरे पीछे विवेकानंद जी रॉक मेमोरियल का जो टेंपल देख रहे हो, इसके अंदर आपको विवेकानंद जी की बहुत ही शानदार और बहुत लंबी मूर्ति देखने को मिलेगी। बहुत ही शानदार बनी हुई है, ब्लैक है पूरी की पूरी मूर्ति। और अंदर का जो व्यू पॉइंट है ना, चित्रकारी जो की हुई है, इतनी शानदार है ना, मैं क्या ही बताऊँ। अच्छा था, यहाँ की लोकेशन अच्छी है। और अपने भारत का जो एंडिंग पॉइंट है वो शायद यहीं पे ही है, इसके बाद में महासागर स्टार्ट हो जाता है। रामेश्वरम भी है एंडिंग पॉइंट, जहाँ से राम सेतु बनाया गया था, बाकी यह भी इसका एंडिंग पॉइंट ही है। तो मेरे को बहुत अच्छा लगा, बाकी यहाँ की जो वाइब है ना वो मेरे को बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस, बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी। कसम से मज़ा आ गया यार, सही में। शायद मैं यहाँ पे कभी वापस आ पाऊँ, बाकी यहाँ की जो वाइब थी बहुत ही शानदार थी। बाकी आप मेरे पीछे का व्यू अभी भी देख सकते हो, अभी मेरे को जो देखने को मिला था वो है वो पहाड़ियाँ, मतलब एकदम से देखने को मिला, वहाँ पे पहाड़ियाँ भी बनी हुई है, बहुत शानदार है। और इस साइड में आप पूरा का पूरा यह लोकेशन देख सकते हो। कुछ इस तरीके से था यह हमारा विवेकानंद रॉक मेमोरियल टेम्पल का जो व्लॉग था। मेरे लिए तो यह एक मेमोरी थी, बाकी मैं आपसे शेयर करना चाहता था कि हाँ वहाँ पे मतलब कुछ इस तरीके का है। आनंद आया सही में, बहुत अच्छी वाइब आई, इतना अच्छा सुकून मिला यहाँ पे आके, मैं क्या ही बताऊँ। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। मिलते हैं कहीं अलग डेस्टिनेशन पे, अलग लोकेशन पे, बने रहिए मेरे साथ में। मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस लाता रहता हूँ, तो अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब और लाइक करके ज़रूर जाना। और कमेंट करके बताना कि सच में आप यहाँ पे कभी आए हो, या आपका भी मेरी तरह ड्रीम है यहाँ पे आने का।